अगर SSC में बात करोगे और बात करोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है तो वो मैथ्स है, सब उसी से डरे हुए हैं। और ऐसा लगता है SSC में बाकी कुछ है ही नहीं है, उनकी भी इम्पोर्टेंस है बट मैथ्स की कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि तैयारी में बच्चा कैसे क्या क्या चीज़ें करे, अब उसको क्या स्मार्ट अप्रोचेस सीखनी चाहिए, क्या उसको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना चाहिए, क्या उसको अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, कई सारी चीज़ें हैं, देन आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस है। बच्चे हमने देखा एक ढर्रा पकड़ते हैं, बेसिक तो बेसिक, वो कहेंगे बेसिक पे चलना है, और कुछ नहीं करना है, बट क्या ये अप्रोच भी सही है? तो सबसे पहले तो बेसिक ही ज़रूरी है, सारी ट्रिक्स वगैरह कंसेप्ट वहाँ से ही बनते हैं। मैं सर कुछ ऐसा नहीं करता था, कोई टीचर ट्रिक बता देते थे ना कि डायरेक्ट सर, मैं मतलब जब तक मुझे उसके पीछे का वो नहीं पता, थ्योरी नहीं पता होती तो सर मैं करता ही नहीं था। मतलब आप समझते थे उसको भी? जी सर, पहले समझता था तभी करता था। सर अभी सीजल 17 में सर बच्चों ने यूनिट डिजिट का डिवाइडेड बाई 11 को बहुत यूज़ किया, बट सर अब टीचर्स बहुत चेंज कर दिया, ऐसा ऑप्शन नहीं देता, तीन तीन चार चार ऑप्शन की यूनिट डिजिट सम सेम आ जाता है। तो सर वो बेसिक से ही चलना पड़ेगा आपको सर, कंसेप्ट यूज़ करना। सर एक क्वेश्चन को करने के चार पांच वे होते हैं, अब जब ज़्यादा मॉक दोगे आप, आपको समझ आने लगेगा कि इस क्वेश्चन को मुझे उस फॉर्मूले से यूज करना चाहिए, सोल्व मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, ये कई बच्चे पूछते हैं कि भाई इतनी चीज़ें हम सीख भी लेंगे चार रास्ते, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएंगे किस रास्ते पर जाना है? तो वही है, उस रास्ते पर आप इतनी बार चलो मॉक दे देखे कि आपको इमिडिएटली पता चलेगा किधर जाना है। सर आपने एक पाँच मिनट लगाइए क्वेश्चन में, फिर आपने वो बाद में एनालिसिस करते हुए टाइम देखा कि अगर मैं इसे दूसरे फॉर्मूले से करता तो एक डेढ़ मिनट लगती, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसी फॉर्मूले से करूँ उसे।